महादेव के कृपा के पात्र बन जाइबा। हम भी तो उहे चाहतानी बाबा, जल्द से जल्द नागिन के एह अग्निकुंड में आहुति देहल चाहतानी। तू कुछ भी कहा लेकिन सैलरी लेवे के ही पड़ी ना सर। अगर रउआ लोग के हमके पेमेंट देवे के बा तो हमार शादी करवा दी बस। तोहर माता पिता नहीं खन बाड़े ना सर, हम तो उनकर जान बानी। तब फिर हमने के कैसे तोहर शादी करवा सकीले? शादी में आके आशीर्वाद दे सकीले बस। कहाँ मैडम, माता पिता के जगह पर शादी ना करवा सकीले, लेकिन लड़की के तरफ से तो शादी करवा सकीले ना। लड़की के तरफ से ऐसा कैसे हो सकेला? ओ ओ, तू जो लड़की के चाहेला ओकर माता पिता नहीं खन? ना ना, ऐसा कुछ नहीं के सर, लेकिन हमरा खातिर रउआ इम्पोर्टेंट बानी सर। राउर खातिर हम कौनो अनाथ चाहे गोद लिया लड़की से भी शादी कर सकीले, काहे कि रउआ हमरा खातिर बहुते इम्पोर्टेंट बानी सर। प्लीज सर, प्लीज मना मत करी, ये काम राउर हाथे ही होके के चाहिए। अच्छा ठीक बा, बेसिकली तोहरा शादी में तोहरा तरफ से या लड़की की तरफ से हमनी जरूर आई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हमके रउआ से यह उम्मीद रहे सर, अगर रउआ के पेमेंट देवे के ही बा तो रउआ के जौन ठीक लगाता उ दे दी, हमके कौनो प्रॉब्लम नहीं खे। जे जिंदगी में पैसा के ही सबसे अहम माने ले, वो लेकिन में से नहीं की हम। अब जौन मंत्र हम पढ़ब ओकरा श्रद्धा से सुन के बिना ओकर अपभ्रंश कैले पूरा एकाग्रता के साथे जबे पड़ी। जब करे खातिर तू सिद्ध बाड़ा ना? हाँ बाबा, हम तैयार बानी। नागिन के मारे के होखी नागमणि के हमके हासिल करे के ही बा, ओकरा खातिर हम कुछ भी कर सकीला। हमरे आस पास भटक रहल नागिन के जब तक हम मार ना देव हमके चैन ना मिली बाबा। बताई बाबा हमरा क्यों मंत्र बताई? ऐसन बात सुना रुद्र, जब तक हम ना रोकी मंत्र के दोहरा जपते रहे पड़ी, कौनो कारण से तू ना रुक सकेला रुद्र। ठीक बा बाबा, हम जप करब, कौनो भी वजह से हम जप के ना रोकब, रउआ निश्चिंत रही। काहे रे, हमरा रूम में लुका के हम ही के डेरा रहल बाड़ू। देखलू ना, ई मामला में तोहरो गुरु बानी हम।
यो रुक जा, अभी बता नहीं हम। ई अर्जुन के पकड़ल इतना आसान नहीं खे। ई अर्जुन के पकड़े खातिर 7 जन्म के पुण्य कमावे के पड़ी। हमके पकड़े वाला केहू और बा। ऐसन का? बाप रे, ना होगी हमरा से। तोरा जवा भागे के बा भागा। और कितना दिन तक हमरा से दूर भागबा हम भी देखता नहीं। कुछ समय में तोहार चोटी हमारे हाथ में आ जाई ना, तब देखता नहीं तू हमरा से बच के कहाँ भागता रहा। एकर का मतलब आ हो? हमार चोटी तोहार हाथ है? अरे बुद्धू, चोटी हमार नहीं खे, तोहार बा। देखा, हेयर कटिंग करवा के कितना स्मार्ट दिखा तनी ना? तोहार तरह बाल बढ़ाई पागल हो गई बानी। अरे बाबा, हमार मतलब ऊ ना रहे हमार मजनू। तोहार चोटी हमरा हाथ में आ जाए मतलब कुछ दिन में हमनी के एंगेजमेंट पाना यही से। ऐसन दादी और सासू माँ डिसाइड कर ले बाड़न, यकीन नहीं खे होता ना? का तोहार और हमारा एंगेजमेंट ऐसन तोरा से के कहलस? ई सगाई हमने के जल्द से जल्द करे पड़ी, ई माजी के फैसला बा। सच में सासू माँ, तो फिर हमने की एंगेजमेंट कब बा? कल बा की परसों बा? आज बा तब हम रेडी बानी। और एंगेजमेंट का आज अगर रउआ अर्जुन से शादी करे खातिर कहब तब हम तैयार बानी। अरे आराम से मयूरी, तू तो बहुत तेज भाग रहल बारू। अरे हम तो सोच ले रहनी कि तू शायद एंगेजमेंट खातिर भी ना मनबू, तू तो शादी खातिर तैयार हो गई लो। अरे वाह, तू तो हमनियों से तेज निकल लू। बाप रे बाप, तोरा से तो रुकल ही ना जाता। बात का बा? सासू माँ, हम अर्जुन से बहुत बहुत प्यार करी ले, ओकरा से शादी करे खातिर हम कब से इंतजार कर रहल बानी सासू माँ। ठीक बा, लेकिन सुना, एंगेजमेंट के बाद तू कोनो तरह से अर्जुन के मत बताई हा। ओकरा बिना बतौले हमनी के एक काम तमाम करे के बा। अच्छा ठीक बा सासू माँ, हम पक्का अर्जुन से कुछ ना कहब। ए बारे में हम कुछ ना कहब, ठीक बा? ठीक बा बेटा। ए बोला ना के कहलास? अब या कि सपना देखत पड़ू? हाँ सपने तो देख ले रहनी हम, लेकिन हमार आँख में बसल सपना सच भी होके वाला बा। और हमार सपना के हो ना रोक सकेला। नो चांस, ऐसन कबो ना हो सकेला। हम ऐसन होके के मौका ही ना दे। ये सब तोहार भ्रम बा अर्जुन। बस हमनी की एंगेजमेंट के ही बात ना अर्जुन, ओकरा से भी कई ज्यादा जरूरी एगो बात बा। तोरा पता बा वो बात का बा? का बा? काल से तोहरा बाहर नहीं खे जाए के बा ऐसन दादी तोहार मम्मी मतलब हमार सासू माँ कहत रहनी, पता बा का? देखते रही हा? ऐसे भी तोहार और हमारे एंगेजमेंट, फिर शादी, फिर फर्स्ट नाइट और बच्चा और पूरा परिवार बने तक तोहरा यहाँ से एगो कदम बाहर ना जाए मिली। ऐसन वो लोग कहले बड़े कि तू अपन मन से कहता रू। वैसे तो दादी एंगेजमेंट होकला तक बाहर जाए से मना कहले बड़े, लेकिन हम तनी सा नमक मिर्चा डाल के तोहरा बता रहल बानी। और ऐसे नहीं होके वाला बा, स्मार्ट बनी ना। ए, चला निकला, तोहार बकवास से हम अपन दिमाग काहे खराब करी। हमके ही घर से बाहर जाए से केहू ना रोक सकेला। केहू में हिम्मत बात तो रोक के देखे। तू ये बात 4 बार रिपीट करबू ना तब वो ना मानब। ये अर्जुन के पकड़ल वो हवा के पकड़े जैसन ही बा। का कहत रहलू? हमार शादी तोहरे साथे होकी, हमार एंगेजमेंट तोहरे साथे। हुई जन्म में मुमकिन नहीं खे, आबे वाला जन्म में भी अमृता ही हमार जीवन साथी बाड़ी। काहे हा ना अमृता? आज ना तो कल ना, चाहे फिर परसों, चाहे इस जन्म में, चाहे आवे वाला जन्म में या कौनो और जन्म में, तू ही हमार प्यार बाड़ू। यू आर माई सोल, यू आर माई एवरीथिंग अमृता। तू ना बाड़ू तो ये जान भी नहीं खे। आई लव यू सो मच अमृता।
सुनी माजी अर्जुन और मयूरी के एंगेजमेंट तय कर देले बाड़िन। का एंगेजमेंट इतना अर्जेंसी का बा? का बा काहे बा हमके भी नहीं खे पता, पर वो एगो जिद पकड़ लेले बाड़िन। माँ काहे ऐसे फैसला सुना रहल बाड़ी? का भइल बा उनका राके? का हो गेल बा अचानक? राजू के साथे जॉन भइल ओकरा बाद वो बहुते डरा गेल बाड़ी। अर्जुन के सर्प दोस्त बाना ओकर निवारण खातिर सर्प संस्कार करावे के बा, लेकिन ओकरा से पहले ही अर्जुन के एंगेजमेंट करवावे के वो जिद पकड़ ले बाड़िन। उनका डर बा कि अर्जुन के कुछ हो मत हो जाओ। ये माँ भी का उल्टा सीधा सोचत रहेली। अरे राजू के मौत के और अर्जुन के शादी के का संबंध बा? देखा अर्जुन के सर्प दोस्त बा हम मानता नहीं तो ओकरा खातिर शांति हवन करवा ली हल जाए। एकरा अलावा अर्जुन के शादी करावे से ओकर सर्प दोष मिट जाए ई कहाँ के हिसाब बा? पता बा, ई माँ जी के कहना नहीं खे, शास्त्री जी के कहना बा कि शादी करवावे से दोष कट जाए। एही से माँ जी ऐसन फैसला कर ले बारे में। देखल जाओ तो अर्जुन के सर्प दोष के बारे में जनला पर भी रहुए के आगे बढ़ के ओकर शादी के तैयारी करे चाहत रहे, लेकिन रहुआ ओकरा बारे में तनी सा भी ना सोचनी। रउआ के अपन बिजनेस के अलावा कुछो ना दिखेला। एही से राउर भरोसे ना रह के माजी मयूरी के साथे अर्जुन के शादी करवावे के फैसला कईले बारे में। इतने ना हमरा पता बा एंगेजमेंट करवावे के ई फैसला के पीछे बहुत बड़ कौनो वजह बा। एकरा पीछे कौनो बड़ वजह बा? का बा? रउआ के अपन बिजनेस के अलावा कुछो ना दिखेला। एही से राउल भरोसे ना रह के माजी मयूरी के साथे अर्जुन के शादी करवावे के फैसला कईले बारे में। इतने ना हमरा पता बा एंगेजमेंट करवावे के ई फैसला के पीछे बहुत बड़ कौनो वजह बा। एकरा पीछे कौनो बड़ वजह बा? का बा? ओ का बा हमके भी नहीं खे पता, लेकिन हमके लागता माँ जी के मन में कुछ बा। एही से जल्द एंगेजमेंट करवा के खत्म कैला के इमरजेंसी बा उनकरा। उ काल भी हो सकेला चाहे परसों भी हो सकेला। रउआ के बता देले बानी हमार फर्ज रहे, जॉन करे के बा कर ल। ई का कह रहा बाड़ू तू? एंगेजमेंट शादी इस सब का कौनो तमाशा बा? बहुत सारा तैयारी करे के पड़ी, कौनो मिडिल क्लास के शादी नहीं क्या होता ही? हमने क्या अपन स्टेटस के हिसाब से शादी करे के पड़ी पूरा सानो सौकात के साथ है। विष्णु के बेटा के शादी में बड़ बड़ पॉलिटिशियन बिजनेसमैन इंटरनेशनल बिजनेसमैन बिजनेस पार्टनर्स फ्रेंड फैमिली सब आवे वाला बड़े। ऐसे वो सिंपल शादी करे पर समाज में हमने के नाक कट जाए, स्टेटस गिर जाए। देखा है माँ, तू ही जाके माँ के कन्विंस करा कि अभी शादी ना हो सकेला। सुनी हम सासू माँ के बोल चुकल बानी, लेकिन वो हमार बात सुने खातिर तैयार नहीं थी। उनकरा खातिर अर्जुन के शादी से ज्यादा अर्जुन के सुरक्षा जरूरी बा। ऐसे में ओकर शादी कैसे होगी एकरा से कौन फर्क ना पड़ेला। हमके भी उनकर बात एक तरह से ठीके लगल, काहे कि हमने के बेटा के जिए मरे के सवाल बा। सुनी हम ई सब रउआ से कहतानी, रउआ गलत मत समझब, अभी हमने के अर्जुन के भविष्य के बारे में सोचे जाही। अर्जुन के कब का हो जाए ई बात के डर हमके और माजी के दिन पर दिन खाईल जाता। और रउआ बानी की ए बारे में कुछ नहीं की सोचत। हम राव सामने हाथ जोड़तानी, अब तो अर्जुन के भविष्य पर रउआ तनी ध्यान दी प्लीज। ठीक बा, सास बहू जब आपस में फैसला कहिए ले ले बाड़ू तो हमार मर्जी से का फर्क पड़ी, तो ही लोग डिसाइड कर ल। कहाँ जा रहल बानी? स्टडी रूम में।
से वादा कैले रहनी, लेकिन लक्ष्य पूरा कैला में तनी सा देरी हो रहल बा। लेकिन हम अपन मकसद पूरा करे खातिर सही रास्ता पर चल रहल बानी। छोटी माँ जैसन बतौले रहनी, हम अर्धनाग रूप में शिव जी के प्रार्थना करत रहनी। माँ हम तोहरा से वादा कैले रहनी, लेकिन लक्ष्य पूरा कैला में तनी सा देरी हो रहल बा। लेकिन हम अपन मकसद पूरा करे खातिर सही रास्ता पर चल रहल बानी। छोटी माँ जैसन बतौले रहनी, हम अर्धनाग रूप में शिव जी के प्रार्थना करत रहनी और ओकर अनुग्रह से राउर हत्यारा में से हमरा एगो मिल गई बा। और हमार बदला के हिसाब हम एगो के हिसाब चुकता कर देंगे। बाकी सब के दिन शिव भगवान के दया से हम मार डालब। और फिर हमने के अमानत उ नागमणि के कहियों से खोज के हम तोहरा बचा ले। हम तोहरा दोबारा जीवन दे हब माँ। हमके तोहा जरूरत बा माँ, तो वापस आ जा। तोके अपन माँ के बचावे के मौका ना मिली अमृता। अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना। छोटी माँ तो का कहता नी, हमके माँ के बचावे के मौका ना मिली, पर का है? उ ऐसे कि जब तक तू अपन शत्रु लोग के खोज के मार ना देबू, तोहरा नागमणि ना मिली। और जब वो मिली तो हर माँ के देह पहले जैसा ना रही। तू जब तक अपन शत्रु लोग के खोज के मरबू, तब तक तो हर माँ के देह तोहरा से सच्चो में दूर हो जाए। छोटी माँ इरवा का कहता नी। हाँ अमृता, तुहार माता पिता के मरल 10 साल से ज्यादा हो गई बा। 10 साल के बाद उनका देह पहले जैसा ना रह सकेला। एकर मतलब कि हम अपन माँ के ना बचा सकब? का कोनो दूसरा रास्ता नहीं खे? तो बिल्कुल मत डरा अमृता, हमार पास एगो रास्ता बा। अगर तू चाहतू कि तुहार माता पिता के देह वैसा नहीं रहे, तो तक्षक वन की जौन शिवलिंग के तुहार माता पिता पूजत रहलन, ओकर अभिषेक करके उनकर देह के ओकरा पास लाके स्पर्श करवावे पड़ी। तबे तू उनकर देह के कुछ समय तक अपना पास रख पाएगी। ना तो अमृता तुहार अपन माँ के बचावे की सपना एही जे इहे समय त्यागे पड़ी। ना छोटी माँ, हम कुछ हो करके अपन माँ के बचा के रह, चाहे कितनो तकलीफ होखे हम उनकरा बचा के रहब। रहुआ जौन बतावले बानी हम वो करके रहब। सही समय पर रहुआ हमके ये बात बता देले बानी। छोटी माँ अब हमरा पास तक्षक बन जाके अभिषेक करे खातिर और अपन माँ के बचावे में और कितना दिन बचल बा? कितना दिन बचल बा एकरा बारे में तू चिंता मत कर अमृता। काल बहुत अच्छा दिन बा, काल सूर्य ग्रहण होके वाला बा। और ऐसन दिन में शिवलिंग के पूजा से सब कुछ अच्छा होखेला। तू काल खुदे तक्षक बन जाके अपन माँ के देह के शिवलिंग के सामने रख के उनका पूजा करा। और बाद में अभिषेक कैला के बाद वो पानी के अपन माँ के देह पर चढ़ा दिया। ठीक बा छोटी माँ, ऐसन ही करब। हम अपन माँ के देह के 10 साल पूरा होके से पहले उनका अपन पास वापस ले आई। अमृता अब तुहार सबसे पहला काम होखी यहाँ से सीधे तक्षक वन गईल। जाइब छोटी माँ, काल सूर्य ग्रहण के समय माँ और पिताजी जौन शिवलिंग के पूजा करत रहलन, हम कल ओकर पूजा करब। भगवान के सामने हाथ जोड़ के जल से जल माँ के प्राण वापस लावे के प्रार्थना करब। आपन शत्रु के मारे खातिर हम उनकरा से और भी शक्ति मांगब। प्रवाह